टू ऑल ऑफ यू, अब आप सबका आभारी हूँ कि आपने यहाँ आने का अपना समय निकाला, एंड ऑल्सो टू आवर डियर फ्रेंड्स हू हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ एनीवे देयर एंड जम्मू कश्मीर टू बी अमंगस्ट अस. तो वी आर इन दिस हिस्टोरिक लॉन्च ऑफ द रेडी गो, और इसके बारे में आई विल टेक यू थ्रू इट, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव इंटरेक्शंस आल्सो, वी विल हैव अ लुक एट द प्रोडक्ट आल्सो. Daxon, first of all, Nissan Group came to India about 5-6 years back, और एक बहुत strong commitment की थी हमने India के लिए. आजकल बहुत बोला जा रहा है कि Make in India, Make in India का एक slogan है जो हमारे Prime Minister ने दिया है, पर Make in India, Nissan ने 6 साल पहले ही एक world class plant 600 acre का था, जिसकी 480,000 capacity थी. 400 supplier partners, 5,000 engineers for R&D, the third base for engineering R&D after China, after USA and Japan in the Nissan, this that's the group, and 40,000 jobs created. So we felt that agar hame Nissan ko long term, we have late in this market, but if we want to make a presence in this market, we not only need to make manufacture products here, but we conceptualize, design and R&D also. So that's the commitment to India. और ये हिंदुस्तान का वादा है हमारे लिए. और Nissan और Daxon फैमिली में कुछ प्रोडक्ट्स Nissan फैमिली में आते हैं, कुछ Daxon में. वी आर हियर टुडे ऑन द Daxon स्टोरी. वन थिंग व्हिच इज आई थिंक जो हिंदुस्तान में जो चेंज आया है एंड किसका रिल एवरीवेयर एंड विल बी मोर एविडेंट इवन व्हेन यू सी इन पंजाब हरियाणा इवन चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स. एज दे से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे स्कूल में कि लग्जरीज ऑफ टुडे विल बिकम द कंफर्ट ऑफ टुमारो एंड द कंफर्ट ऑफ टुडे विल बिकम द कन्वीनियंस ऑफ डे आफ्टर टुमारो. दैट्स वेरी वेल in the automobile industry, and access to affordable, well-engineered cars, and demand market is growing, so a lot of people are coming from the two-wheeler segment also. But another segment is coming, which is the first-time buyer, which doesn't come from two-wheeler, but it is an experienced two-wheeler buyer. And the experienced two-wheeler buyer, I want to say, who have experienced four-wheeler buyer, people who have driven four-wheelers, whether they belong to their family members or have ट्रैवल्ड इन इट, सो में इंटरेस्ट रखते हैं जो ऑटो इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, तो जेड रोस्टर थी और Daxon पिकअप्स थी. ये गाड़ियां हिंदुस्तान में इम्पोर्ट होती थी. सो Daxon का नाता हिंदुस्तान से कहीं पुराना है, बट जिस रूप में हम आए हैं वो अभी अवर के आया है. वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी ब्रॉट Daxon टू इंडिया इज दैट वी बिलीव दैट वी नीड टू गिव कस्टमर चॉइस. हमें कस्टमर्स को ऑल्टरनेटिव देने हैं, चॉइस देनी है और कुछ नया देना है. तो हमने दो गाड़ियां लॉन्च की, Daxon Go, जो 20 हैचबैक सेगमेंट में पहली एक नई गाड़ी थी जो अप्रैल 2014 में लॉन्च की, एंड द नेक्स्ट व्हीकल इज इंडिया फर्स्ट कॉम्पैक्ट फैमिली वैगन, व्हिच वाज अ 5+2 व्हीकल, आल्सो कैन रन एज अ 5 विद अ फेनोमेनल लगेज स्पेस इन द Daxon Go प्लस. तो जब हम Daxon हिंदुस्तान में लाए थे तो हमारा वायदा था कि हम अगले 3 सालों में 3 गाड़ियां लॉन्च करेंगे. तो ये तीसरी गाड़ी जो पेशकश होकर के आ रही है, तो दो ऑलरेडी थी, थर्ड इज द रेडी गो. So, what is Redigo all about? So, we'll start on it and just let's have a AV. What is it about the product? विश्वास चाहिए कि जो मेरे पास है वो सही है और सालों तक सही रहेगा. सो दीज आर द थ्री पिलर्स वी हैव वर्क्ड ऑन, फन, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस. सो जस्ट टू मेक अ बेटर थिंग, हमने अपना टुडे पीपल आर मेकिंग चॉइसेस, वे आर कन्वेंशनल पीपल, जो आज की जनरेशन अपनी आप चॉइस कर रही है. वे आर मूविंग अहेड वेदर इन द कैरियर्स, इन द सोशल लाइफ्स, इन द पर्सनल लाइफ्स. So, अगर इस गाड़ी पे देखे, अर्बन इज वेरी, द वे इट इज ट्यून्ड इज वेरी गुड, ऑल रोड कैपेबिलिटीज, ये इस गाड़ी की खासियत है कि किस तरह का रोड हो, बिकॉज इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, हाई ड्राइविंग पोजीशन, स्टाइल विद कैरेक्टर. अगर इस गाड़ी का डिजाइन देखे, द होल डिजाइन इज समथिंग बिलीव, इट्स अ यूकन डिजाइन व्हिच इज अ जापानी स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन, सो दैट यू हैव सम इमेज. दिखाया 32 मीटर का हाईएस्ट है. सो कई फीचर्स जो एक स्मॉल गाड़ी में होते हैं कि ब्रेकिंग, फ्यूल एफिशिएंसी और शहर में चलाने के लिए अच्छी होती है, पर कई चीज़ें गाड़ी में और होती हैं जिसमें एक स्मॉल कॉम्पैक्ट टायर वायर कॉम्प्रोमाइज़ करता है. बैठने का, सिटिंग पोजीशन, हाइट ऑफ द व्हीकल, वेर यू सी द व्हीकल, एल्बो रूम, शोल्डर रूम, नी रूम, हेड रूम,
और साफ ध्यान रखा गया है। और इसमें फ्रंट रो को तो छोड़िए, रियर सीट में हमेशा एक हमेशा कंस्ट्रेन आता है जो बैठते हैं पीछे की सीट पर, कि आप दबे हुए रहते हैं, सिकुड़े हुए रहते हैं, शर्माए हुए रहते हैं, शर्माए हुए तो नहीं कहूँगा, सिकुड़े हुए रहते हैं। तो इस गाड़ी में कोई 6 फुट का आदमी भी है बैठ के देखे तो देखे उसका भी 6 फुट का गाड़ी, उसका भी सिर आप टच नहीं करता। तो आप में सबसे लंबा कौन है यहाँ पर आज बैठा हुआ यहाँ पर है? मेरे से ज़्यादा कोई लंबा कोई और है? आप पग के साथ कोई और लंबे हो जाते होंगे ना, तो वो भी बैठ के देखें तो आपकी पग नहीं छुएगी इस गाड़ी में। तो अलग कंफर्ट कन्वीनियंस का किया गया है। दूसरा, इस गाड़ी में सेफ्टी पे ध्यान रखा गया है, तो कई चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, चाहे शेल में हो, चाहे सस्पेंशन में हो, चाहे स्टीयरिंग में हो, चाहे कंफर्ट में हो, जिससे कि एक एक्टिव सेफ्टी हो सके। प्रोएक्टिव सेफ्टी क्या होती है? प्रिवेंटिव हेल्थ मेंटेनेंस। और हमारा मानना यह है कि जो भी पहली गाड़ी खरीदता है वो रीएश्योरेंस चाहता है, फर्स्ट टाइम बायर होता है, रीएश्योरेंस यानी कि एक विश्वास चाहता है, सुरक्षा चक्र चाहता है। तो इसके लिहाज से गाड़ी में हमने 2 साल की वारंटी दी है अनलिमिटेड माइलेज के साथ, 24/7 सर्विस असिस्टेंस दी है, और साथ में अगर 8-9 हज़ार रुपये दे तो आपकी वारंटी 2 साल से 5 साल तक अनलिमिटेड बढ़ सकती है। और साथ में हमने जो पार्ट्स का, मेंटेनेंस का, सर्विस शेड्यूल का, उसका खास ध्यान रखा गया है कि ये कॉस्ट जो होना चाहिए जो आज मार्केट में छोटी गाड़ियों में है उससे काफ़ी कम हो। तो जो हमने पैकेज दिया है पहले 50,000 किलोमीटर 32% बेटर है। सो मार्केट में इसी और कीमत जो है आपने देखी 2,40,000 की कीमत, ये सबसे वाजिब कीमत है, सबसे आकर्षक कीमत है जो हम लाए हैं। सेगमेंट है 2,40,000 से शुरू होती है, पर कई फीचर्स ऐड होते हैं डिस्क्रिप्शन, बट एज यू कोई पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग, डीकैल्स, डिजाइंस, कई कई चीज़ें ऐड होते हैं, तो अलग अलग वेरिएंट्स आपकी तरह, और आप अपने एक्सेसराइज अपने अनुसार कर सकते हो, स्पेशल किट्स बनाइए। तो 2,40,000 से शुरू करके 2,65 है, 2,90 है, 3,10 है, 3,30 पे है, तो 5 वेरिएंट्स हैं डिपेंडिंग ऑन। सो इस गाड़ी का जो फीचर्स ऐड किए अगर आप लिस्ट देखें ये और गाड़ियों के मुकाबले बहुत ही आकर्षक है। इंजन के बारे में जो हमने खास किया, इसमें जो एक मटेरियल यूज़ किया है, स्ट्रॉन्गर मटेरियल यूज़ किया है पर लाइटर मटेरियल यूज़ किया है, उससे गाड़ी का वजन तो कम हो जाता है पर स्ट्रेंथ उसकी उतनी बरकरार है, बल्कि कहीं अधिक है। सीसी इंजन 800 है, पर अगर इसकी आप पावर टू वेट रेशियो देखें, बिकॉज आजकल मापदंड है एक तो सीसी होता है एक पावर होता है, पर असली मापदंड होता है पावर टू वेट रेशियो, कितनी पावर है और उसका कितना वेट है। और कुछ समय पहले एक टेस्ट किया गया कि जब कोई हादसा होता है तो सबसे कमजोर गाड़ियों में स्विफ्ट और डैटसन गिनी गई थी, सी क्या उसको ध्यान में रखा गया? सी इसको रखा गया है, उस रिपोर्ट के बारे में कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, वो पुरानी रिपोर्ट है, बट जो 2 चीज़ें इसमें खास ध्यान रखी गई गाड़ी में, एक एक्टिव सेफ्टी, एक्टिव सेफ्टी जो होती है सस्पेंशन की, स्टेबिलिटी की, स्टीयरिंग की, अंडर बॉडी की, ब्रेकिंग की, व्यू की, तो ये सब सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है। तो आई ऑलवेज बिलीव एंड दिस इज आर फेथ कि वन यू हैव इट्स लाइक बीमार हो जाओ तो आपको क्या होगा, कितने डॉक्टर होंगे, कहाँ ट्रीटमेंट होगा, पर ये मानना है किसी भी गाड़ी के डिज़ाइन करने में कि जब डिज़ाइन में किस तरह सेफ्टी एट्रीब्यूट्स को लिया गया है, रोल तो नहीं है, बॉडी रोल तो नहीं है, कम